सतवीर सिंह पूनिया जी। सर क्या ऐसा मुद्दा है आज आप जंतर मंतर पर आए हैं? 31/5/16 को CAD पुलगांव 31/5/16 को सेंट्रल आमनेशन डिपो पुलगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र में आमनेशन के गोदाम में लगी आग पर काबू पाते हुए सेना के 19 जवान शहीद हुए। सरकार ने 2 साल तक तो खाली आश्वासन देती रही, 2 साल के बाद सरकार ने सिर्फ 6 जवानों को शहीद का दर्जा दिया। इनमें कुछ जवान DSC के और कुछ DFS के जवान थे। DSC वाले जवानों को शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड जो DFS के जवान हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। 2 साल तक सरकार ऐसे ही खाली आश्वासन देती रही, राष्ट्रपति मेडल भी दिया है हमारे को, लेकिन अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो हम वो राष्ट्रपति मेडल वापस दे देंगे। तिरंगा वापस करने के लिए तैयार है। क्या प्रमुख मांग क्या है? कि सभी 19 जवानों को एक बराबर का सम्मान व संविदा दी जाए, सिर्फ हमें यही चाहिए। अगर सरकार ये नहीं देना चाहती तो हमें भी मार दे, लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, हमें बॉर्डर पर भेज दे, बच्चे से बूढ़े तक हम जाने के लिए तैयार हैं, देश की रक्षा करते हुए मरना चाहते हैं, हम भी ऐसे नहीं मरना चाहते। आप आए कहाँ से? कुछ हरियाणा के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, सब पीड़ित परिवार हैं, जिन 13 परिवार हैं जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। सरकार खाली आश्वासन दे रही है, अभी तक यह आश्वासन दे रही है। दिया हमें ये तो ठीक है, लेकिन ये अलग अलग काम हो गया। आज का एक ही था मिशन, एक था सबका आग पर काबू पाना, और आग पर काबू पाते पाते और ये 19 जवान शहीद हुए। 2 साल बाद में सेना ने, रक्षा मंत्री ने 6 को मेडल दे दिया, BC बैटल कैजुअल्टी। 2 साल बाद 31/5/2016 को दी, 18 को दिया उनको, और हमें अब तक आश्वासन ही नहीं मिला कि हम आपको जल्दी देंगे। अथॉरिटी के पास लेटर गया हुआ है, ये तो बहुत ही संगीन मामला था, कुछ कुछ कहा और अब ये दे दिया गया है, बोलो ये मिल गया। मेरा नाम विकास बालू पाखरे है, मैं शहीद बालू भाव पाखरे का लड़का हूँ। सर क्या ऐसी डिमांड रखते हैं सरकार को? जी हमारी डिमांड काफ़ी बड़ी नहीं है, जो हमारे साथ 19 लोग शहीद हुए हैं उसमें के 6 जवानों को आपने शहीदों का दर्जा दे दिया है, तो बाकी के बचे हुए 13 लोग उन्हें भी शहीदों का दर्जा दे दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करके हमारी हमारी प्रॉब्लम को समझ के और शहीदों का सम्मान करें, इस तरह का आधा अधूरा सम्मान प्रदान ना करें। खाली बोलने से ही नहीं होता कि शहीद का दर्जा भी प्रदान। सही बात है, खाली बोलने से नहीं हो, सिर्फ बातों में शहीद बोलने से नहीं हो पाएगा, आपको उनको शहीद का दर्जा देना ही होगा, वो प्रमाण उन्हें देना ही होगा। एक ही ऑपरेशन में अगर कोई शहीद होता है तो आधे लोगों को आप शहीद घोषित करते हो, आधे के साथ आप मतलब पार्शियलिटी करते हो, तो ये सही बात नहीं है। सम्मान उनका भी है, उनका भी अधिकार है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। रक्षा मंत्री और पंतप्रधान कार्यालय को विज्ञापन देने के लिए आए हैं, विज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि ताकि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। इसके पहले भी हमने करीबन 10 बार पंतप्रधान कार्यालय को और रक्षा मंत्रालय कार्यालय को विज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब हमें मिला नहीं है। मेरा नाम पार्थ मेश्राम है और मेरे जो पापा है वो है शहीद प्रमोद मेश्राम। तो फिर अगर आग ने सबके साथ सिमिलैरिटी की है, सबके साथ समानता का व्यवहार किया है, तो फिर ये सरकार क्यों अन्याय कर रही है? सरकार से क्या बोलना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि सरकार जो इन 13 जवानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए इन्हें। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6। देखिए 6 क्लास में बच्चा पढ़ता है और ये भी अपने पापा के लिए आज यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है, बल्कि पापा के लिए ही नहीं, 13 जवानों के लिए ये शहीद की मांग कर रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।